हेलो दोस्तों, आज मैं आपको RDP प्रोटोकॉल के बारे में बताने वाला हूं, जिसका पूरा नाम रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल है। बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल पर काम करता है, जिससे हम किसी भी क्लाइंट का या अपने किसी फ्रेंड का या किसी भी उस यूजर का जो विंडोज 10 का यूज कर रहा है, उसका रिमोट एक्सेस डायरेक्टली एक्सेस कर सकते। इसके लिए आपको किसी भी लाइसेंस टूल की नीड नहीं पड़ेगी। ये माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पर फ्रीली अवेलेबल है। बस इसके लिए आपका अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर होना चाहिए। तो आप इसको यूज करने से पहले माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर अपना एक अकाउंट जरूर बना लें। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको यूज किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको विंडोज के सर्च बार में सर्च करना है क्विक असिस्ट, फिर क्विक असिस्ट की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन को ओपन करने पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला गेट असिस्टेंस, दूसरा गिव असिस्टेंस। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दोनों ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं कि आप जब रिमोट ले रहे हो तो कैसा इंटरफेस आपको दिखेगा और जब आप रिमोट दे रहे हो तो कैसा इंटरफेस आपको दिखेगा। दोनों स्क्रीन साइड बाय साइड आपको यहां पर दिखने वाली है, जिससे आपको रिमोट लेने या देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। गेट असिस्टेंस में ये देखिए लिखा है, अलाउ समवन यू ट्रस्ट टू असिस्ट यू बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर, प्लीज एंटर द 6-digit सिक्योरिटी कोड That was provided to you। ये कह रहा है आप किसी दूसरे आदमी को अलाउ करते हो अपने सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। उसके लिए नीचे की साइड देखिए, यहाँ पर नीचे की साइड कोड फ्रॉम असिस्टेंस, तो यहाँ वो 6-digit का कोड आपको देगा, वो यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद ये शेयर स्क्रीन आएगी, शेयर स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। ये हुआ जब आप किसी को रिमोट दे रहे हो। जब आप किसी सिस्टम का रिमोट ले रहे हो तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है जो गिव असिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए, इसमें नीचे लिखा भी है असिस्ट अनदर पर्सन, आप किसी दूसरे पर्सन को, दूसरे कंप्यूटर को असिस्ट कर रहे हो। तो हम गिव असिस्टेंस पर क्लिक करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से लॉगिन करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद ये स्क्रीन आपको दिखेगी जो सिस्टम के लेफ्ट साइड में है। ये देखिए, जो सिस्टम के लेफ्ट साइड में है, नाम आया हुआ है और ये शेयर सिक्योरिटी कोड, द पर्सन यू आर हेल्पिंग नीड अ सिक्योरिटी कोड टू लेट यू कनेक्ट टू देयर डिवाइस। तो देखिए यहां पर ये सिक्योरिटी कोड जनरेट किया हुआ है और ये साइड में मैंने एक क्लाइंट की स्क्रीन को एड किया हुआ है। क्लाइंट की स्क्रीन जब आप क्विक असिस्ट खोलोगे तो ये स्क्रीन आती है। ये 6-digit वाला जो कोड है ये आप अपने क्लाइंट को दोगे और क्लाइंट उस कोड को यहां पर पेस्ट करेगा, कोड फ्रॉम असिस्टेंस। और ये देखिए, मैंने ये क्लाइंट को दिया और क्लाइंट ने ये कोड, सेम टू सेम ये कोड यहां पर डाल दिया और शेयर स्क्रीन पर क्लिक कर दिया। अब ये थोड़ा प्रोसेसिंग कर रहा है और ये देखिए, ये मेरे वाले सिस्टम पे ये कनेक्टिंग आना स्टार्ट हो गया। अब ये कह रहा है कि आप दो तरीके से आप रिमोट ले सकते हैं। अगर आपको पूरा कंट्रोल चाहिए तो पूरे कंट्रोल यानी कि टेक ए फुल कंट्रोल पर टिक करके कंटिन्यू कर दो। अगर आपको सिर्फ स्क्रीन देखनी है तो व्यू स्क्रीन पर क्लिक करके कंटिन्यू कर दे। तो मुझे फुल कंट्रोल लेना है तो मैंने वहां पर टिक करके कंटिन्यू कर दिया और ये कनेक्ट होने के बाद वेटिंग शेयर है ग्रांट परमिशन। और इधर देखो, यहां पर ये क्लाइंट यहां पर अलाउ करेगा, उसके बाद ही हमें स्क्रीन शो होगी। तब क्लाइंट ने अलाउ किया और ये दोनों में कनेक्टिंग आ रहा है। अभी मैं एक स्क्रीन हटा दूंगा ताकि वो कंफ्यूजिंग ना बने। ये देखिए, ये सीधा स्क्रीन आ गई। अब मैं सीधा कंट्रोल कर रहा हूं सिंपली। बहुत ही सिंपल सा सेटअप बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, सिंपल सा तरीका है इसका रिमोट एक्सेस करने का। यहां से मैं इसको, ये देखिए, नोटिफाई भी कर सकता हूँ कि ये वाले पे जाना है या इस पे करना है, जो भी किसी भी कलर में आप लिख सकते हैं व्यूअर की स्क्रीन पर। इसको एग्जिट कर देते हैं
ये मैं रेज कर देता हूँ पहले, इसको एग्जिट कर देता हूँ। और ये देखिए दूसरा ऑप्शन इसमें ऊपर की साइड, देखिए ये ऑप्शन है सारे, कोई किसी भी ऑप्शन में जाकर आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन बड़ी करने के लिए है, यहाँ पे मैसेज चैट बॉक्स है, मैसेज भेज सकते हैं, जैसे हाय मैंने सेंड किया, देखिए नीचे वाली स्क्रीन पे आपको दिखेगा, ये देखिए नीचे गया हाय। यहाँ से रिस्टार्ट कर सकते हैं आप अपने क्लाइंट की मशीन को, मतलब बेसिकली कहने का है सिंपल सा सेटअप है, आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, कंप्यूटर का कोई भी सिक्योरिटी फीचर्स यूज कर सकते हैं। कुछ टूल ऐसे होते हैं जो एंटीवायरस को एक्सेस नहीं करने देता, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारे टूल शो नहीं करते, तो ये सब कुछ एक्सेस कर सकते हो आप इसमें अपने क्लाइंट का, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आप इसमें कितने भी रिमोट ले सकते हो और उन मॉनिटर को, ऑल मॉनिटर को यहाँ से आप जाके एक्सेस कर सकते हो। बस उसके लिए क्या है, आपको एक नया कोड जनरेट करना पड़ेगा और उस नए कोड को आपको नए क्लाइंट को देना पड़ेगा, फिर आपका वो मैनेज लिस्ट एक लिस्ट बन जाएगी जो आपको यहाँ पे ऑल मॉनिटर पे दिख जाएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।